रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? जिंदा लगता है ये केस भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा। क्यों साथ आने की उम्मीद नहीं है अक्षय, रणवीर और अजय? क्या कोई नए स्टार की हिंट दी है रोहित ने? फ्रेंचाइजी पर क्या बोले रोहित? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। रोहित शेट्टी निर्देशन में बनी अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। दिवाली वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। सूर्यवंशी की सफलता के बाद रोहित शेट्टी ने अपनी आने वाली फिल्म सिंघम 3 की तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें, रोहित शेट्टी ने अपनी इस कॉप ड्रामा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जब रोहित शेट्टी से पूछा गया कि अजय देवगन की सिंघम 3 में अक्षय कुमार और रणवीर सिंह का कैमियो होगा, उन्होंने जवाब देते हुए कहा, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैं अभी तक उन दोनों एंट्री को लेकर कुछ भी पेपर पर नहीं लिखा है। हालांकि इस फिल्म को बनाए हुए 2 साल हो गए हैं, तब तक कई चीजें बदल सकती हैं। रोहित शेट्टी ने बता दिया कि उन्होंने सिंघम 3 में अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए वीर सूर्यवंशी और रणवीर सिंह ने सिम्बा किरदार के कैमियो को लेकर अभी कोई प्लानिंग नहीं की है। रोहित शेट्टी ने आगे कहा, मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहानी को कैसे खत्म करूंगा, क्योंकि कहानी कभी खत्म नहीं होती है। एक फ्रेंचाइजी को हमेशा आगे बढ़ाया जाता है, इसीलिए इसे लिखना मुश्किल हो जाता है। सिम्बा को देखा जाए तो उस वक्त अक्षय कुमार की एंट्री हुई थी। यदि आप सूर्यवंशी देखते हैं तो हमने कहानी को ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया था जहां सिंघम इसे आगे ले जाएगा, इसीलिए जब तक हम उस छोर को नहीं देख लेते तब तक हम वहां नहीं पहुंच सकते। वैसे फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने का मतलब है कि किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की एंट्री भी करवाई जा सकती है, क्योंकि जब आप रोहित शेट्टी जैसे डायरेक्टर की बात करते हैं तो उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सिर्फ उन्हीं 3 हीरो को फ्रेंचाइजी में पूरी कर लेंगे। तो यहाँ उम्मीद की जा सकती है कि किसी की एंट्री हो, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिल्म में एंटरटेनमेंट पूरा होने वाला है, क्योंकि रोहित कोई पहली बार तो है नहीं कि रोहित शेट्टी फिल्म बना रहे हैं। इससे पहले भी ये काफी बड़ी हिट दे चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सिंघम 3 में आ सकते हैं तीनों एक साथ, या फिर होगी एक नए स्टार की एंट्री? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।